नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास ट्वेल्थ के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन लेकर आप सभी के लिए आ गया हूं। तो चलिए आज हम आपको पार्ट फोर बताएंगे, ठीक है। पार्ट फोर में आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन अच्छी तरह से कराऊँगा। ये क्लास ट्वेल्थ का है, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यदि वाई बराबर इतना है, ठीक है, तथा बोल रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर इतना है, तो आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है, पहले मैंने y बराबर इतना दिया है, लिख दिया, और ये जो दिया गया है इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, y का मान तो ऑलरेडी दे चुका है, तो इस y का मान मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। और फिर इस, तो चलिए यहाँ पर वाई का मान ये भरता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने वाई का मान यहाँ रख दिया, ठीक है। अब वाई का मान रखने के बाद क्या होगा कि ये प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस, ये प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया, ये पहले से है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे वन में से इसको घटाना है, तो वन में से थ्री घटाइएगा तो माइनस टू, जीरो में से टू घटाइएगा तो माइनस टू, माइनस थ्री में माइनस वन करिएगा घटाइएगा तो माइनस फोर, टू में से फोर घटाइएगा तो माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे दो सटा है ना, तो ये बटा में चला जाएगा, और एक बटा दो लिख सकते हैं हम, और इसको गुना कराएंगे इसमें, यानी दो से इसमें दो में भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका एक, माइनस है तो माइनस, फिर दो में आप माइनस दो से, फिर दो में दो से भाग करिएगा तो एक, और यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस है तो ये माइनस रह गया, और फिर दो में चार, माइनस चार से तो माइनस दो हो गया, फिर दो में दो से तो एक हो गया, लेकिन माइनस है तो माइनस, इसलिए एक्स का मान आपका पता चल गया, ठीक है। वाई का मान दे ही चुका था, तो ये क्वेश्चन हमारा 8 कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि एक्स तथा वाई ज्ञात कर रहे हैं। यदि बोल रहा है कि इतना और इतना दिया गया है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब क्या करिए, इस दो से पहले ये गुना में है ना, तो पहले दो से सब में गुना करिए, तो दो में एक से तो दो, फिर दो में तीन से दो, तीन यानी छः, दो में जीरो से तो जीरो, और दो में एक से तो दो एक्स, ठीक है। प्लस है तो प्लस छोड़ दीजिए, जैसे उसे छोड़ दीजिए, इसको भी मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब क्या करना है, प्लस करना है, यानी इसको जोड़ना है। तो दो में वाई जोड़िएगा तो टू प्लस वाई, छः में जीरो जोड़िएगा तो छः, और जीरो में एक जोड़िएगा तो एक, और दो एक्स में दो जोड़िएगा तो दो एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर इधर वाले जितना कितना है, पाँच छः एक आठ, तो पाँच छः एक आठ लिख दिए। अब क्या करना है, संगत अवयव को बराबर करना होगा, तो 2 प्लस वाई बराबर 5 होगा, ठीक है। और ये वाला पहले 2 प्लस वाई बराबर 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो वाई को इधर छोड़ देते हैं, इस दो को उधर जाके घटा लेंगे, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, ये वाई का मान निकल गया। और फिर आपका क्या दिया है, 2x प्लस 2 बराबर 8, ठीक है। तो इसको बराबर करेंगे तो 2x प्लस 2 बराबर 8, तो चलिए 2x प्लस 2 बराबर 8 लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 प्लस में है तो उधर गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे 2x, और ये देखिए 8 में से 2 घटा तो 6, अब इस 2 से भाग पड़ जाएगा ना, सट्टा है तो बटा में चला जाएगा, तो काटिए इसको कितना बार में गया, 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 3, ठीक है। आपको पता चल गया कि x का मान 3 हो गया और y का मान 3 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है कि प्रदत्त समीकरणों एक्स वाई जेड तथा टी का के लिए हल करना है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इस क्वेश्चन को पहले ऐसे ही उतार लिया, लिख लिया। अब देखिए, इसमें दो से गुना करना है, इसमें तीन से, और इसमें तीन से गुना करना है, तो पहले मैं दो से कर लेता हूँ। दो में एक्स से तो क्या हो जाएगा आपका, दो एक्स, ठीक है। फिर आपका दो में जेड से तो दो जेड हो जाएगा, दो में वाई से तो दो वाई हो जाएगा, दो में टी से तो दो टी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से तीन से गुना करेंगे, तो दो तीन एकम तीन, और तीन एकम माइनस, वो तीन होगा लेकिन माइनस है तो माइनस, और ये जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तीन छः हो जाएगा, तो मैंने इसको गुना करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से इधर भी ऐसे गुना कर लूँगा, तो तीन थी ये कितना हो जाएगा, नौ यहाँ पे, और पाँच थी 15 हो जाएगा, तीन चौका 12 हो जाएगा, तीन छः 18 हो जाएगा, तो वही मैंने गुना करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे करना है, क्या करना है आपको, इसको जोड़ना है। तो दो में एक से, दो एक्स में तीन जोड़िएगा तो दो एक्स प्लस तीन। अब यहाँ पर देखिए, दो जेड में तीन माइनस तीन जोड़िएगा तो दो जेड माइनस तीन, टू वाई में जीरो जोड़िएगा तो टू वाई, और दो टी में छः जोड़िएगा तो दो टी प्लस छः, और ये बराबर में जितना है उतना छोड़ दीजिए। अब इतना बराबर नौ करना है। अब संगत अवयव को बराबर करने पर, तो दो एक्स प्लस थ्री बराबर नौ, तो बस टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर नाइन। अब देखिए, थ्री प्लस में इधर है तो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो टू एक्स लिख दिए, और नाइन माइनस थ्री कितना हो गया, सिक्स। अब यहाँ पर टू सटा था तो बटा में चला जाएगा, तो अब इसको काट सकते हैं ना, तो दो तीन कितना हो जाएगा, छः, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका, तीन, ठीक है। अब इसी तरह से अब क्या करना है, दो जेड माइनस तीन बराबर पंद्रह, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं दो जेड माइनस थ्री बराबर 15, तो यहाँ पे टू जेड माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया, और पंद्रह तीन कितना हो गया, 18, और दो सटा था ना तो बटा में चला गया, तो कितना आ गया आपका, जेड का मान 6 आ गया, ठीक है। नहीं, आपका नौ दो नौ 18 होता है, नौ होता है, सॉरी 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो जेड का मान 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब क्या करेंगे, हमारा आगे देखते हैं क्या लेना है हमको। तो देखिए अब आगे आपका 2y बराबर 12 ले लेते हैं। ठीक है, यानी 2y बराबर 12, अब यहाँ पे 2 सटा था तो बटा में चला गया, तो कितना हो गया, ये 6 बार में कट गया, तो यहाँ पे y का मान कितना हो गया, 6। ठीक है, इसी तरह से अब क्या ले लेते हैं अगला, अगला हमारा है देखिए यहाँ पे 2t प्लस 6 बराबर 18, ये संगत है। ठीक है, 2t प्लस 6 बराबर 18। ठीक है, इसको अब कि हम ले लेते हैं, तो 2t प्लस 6 बराबर 18, तो यहाँ पे प्लस में 6 है तो उधर गया तो माइनस में हो गया, तो 18 में से 6 घटा तो 12, और ये 2 सटा था तो बटा में चला गया, 2 से काटिए कितना बार में गया, 6 बार में, तो इसलिए y t का मान 6 आ गया। तो अतः आपका x का मान 3, y का मान 6 और z का मान 9 और t का मान 6। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई जेड और टी का मान निकल गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 यानी कि 11। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, इसको मैंने पहले लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 2 में एक्स से करिएगा तो 2x, 2 में 3 से, 3 में एक्स से करिएगा तो 3x, अब यहाँ पे वाई में माइनस एक्स है तो माइनस वाई, वाई में आपका एक्स है तो वाई, और इधर जैसे था उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, तो अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो 2x में आपको प्लस करना था लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, y है तो y, 3x में आपको क्या करना है, y जोड़ना है, तो 3x प्लस y, और बराबर में 10 5 है तो 10 5 लिख देना था। अब क्या करना है, संगत अव्यय को बराबर करना है, तो ये 2x माइनस y बराबर 10, समीकरण 1। ठीक है, ले लिया। अब देखिए अब दूसरा क्या हो जाएगा, 3x प्लस y बराबर 5, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक्स वाई का मान निकालना है, तो ये दोनों आप क्या करेंगे, देखिए y माइनस में है या प्लस में है, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो ये y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा, तो लिख दिया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, तो इसको पहले लिख दिया और इसको इसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब जोड़ना है, तो देखिए जोड़ने के बाद क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, प्लस माइनस कट गया, 2x और 3x कितना हो गया, 5x। ठीक है, 10 और 5 कितना हो गया, 15। अब इसलिए x का मान निकालिएगा दोस्तों, तो 15 बटा 5, तो 5 3 कितना हो गया, 15, तो आपका x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में आपको क्या करने पर, x का मान रखने पर ये आपको लिखना होगा। ठीक है, मान रखने पर, तो बस समीकरण 1 जो था आपका उसको लिख लेना है। ठीक है, और उसमें मान पुट कर देना है, तो ये समीकरण 1 कितना है आपका, 2x माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, तो चलिए उसको लिख लेता हूँ, तो 2x माइनस वाई बराबर 10 लिख दिया, यही ना था समीकरण, देखिए यही समीकरण था। अब यहाँ पे हमारा x का मान कितना है, 3, ये x के स्थान पे 3 भर दूंगा। ठीक है, तो x के स्थान पे हम क्या करेंगे, 3 भर दिया। ठीक है, y है तो y छोड़ दीजिए, 10 है तो 10 छोड़ दीजिए, तो द्वितीय 6 माइनस वाई बराबर 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस वाई इधर छोड़ दीजिए, 10 माइनस उधर गया तो प्लस था, तो उधर गया तो आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, माइनस वाई इधर घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, इधर में आपका माइनस है ना, ये माइनस है तो ये उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 हो गया। ठीक है, वाई का मान पता चल गया, अतः आपका एक्स का वैल्यू कितना बोला था, 3, और वाई का वैल्यू कितना आया आपका, माइनस 4, यही इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 को देखते हैं, यानी कि तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि दिया है कि इतना है तो आपको एक्स वाई जेड तथा ओमेगा का मान निकालना है, यही ना, तो बस आपको क्या करना है, ये एक्स वाई जेड, तो बस मैंने क्या कर दिया कि क्वेश्चन को पहले मैंने उतार लिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया था ना, इसको मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, तो चलिए लिख दिया, अब क्या करना है आपको, तो देखिए आपको ये 3 से पहले गुना कर लीजिए, तो 3 से गुना करेंगे, 3 में x से तो 3x हो गया, 3 में y से तो 3y, 3 में z से 3z, 3 में ओमेगा से तो 3ओमेगा, ये बराबर में जैसे है, तो इसमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो x में 4 जोड़ दिए। ठीक है, 6 में हम x प्लस y जोड़ दिए। ठीक है, और फिर आपको माइनस 1 में जेड प्लस ओमेगा, तो माइनस 1 प्लस जेड प्लस ओमेगा, फिर आपका 2 ओमेगा में 3 जोड़ दिए, 2 ओमेगा प्लस 3। ठीक है, अब आपको संगत अव्यय को बराबर करना पड़ेगा ना, 3x बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4, अब ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x बराबर 4, क्या, तो देखिए ये लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे घटेगा 3x में से 1x, तो कितना बचेगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सटा था तो बटा में चला गया, तो काट दीजिए इसको 2 बार में। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया, 2। ठीक है, आगे देखिए, अब आपके बाद इसके बाद में हम क्या करेंगे,
कि ये वाला ले लेंगे, यानी कि थ्री वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वही मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए y इधर था तो इधर आया, तो क्या था प्लस था तो इधर आया तो माइनस, तो तीन y में से एक y घट गया तो 2y, इधर 6 प्लस एक्स था तो 6, और यहाँ x के मान 2 आया है ना ऑलरेडी, तो बस इसको 2 को भर दिए तो कितना हो गया, 6 और 2 8। अब इस 2 से भाग करिएगा 8 में तो कितना बार में जाएगा, तो ये 4 बार में कट गया, ठीक है। तो इसलिए y का मान आ गया आपका 4। अब क्या करना, आगे देखिए क्या करना है, तो आपका थ्री जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस जेड प्लस ओमेगा। तो बस मैंने वही कर दिया, थ्री जेड बराबर माइनस वन प्लस जेड प्लस ओमेगा। तो थ्री ये जेड इधर आ गया प्लस, तो इधर आके घट गया, तो तीन जेड में से एक जेड घटा तो दो जेड और माइनस एक है प्लस ओमेगा है, इसको हम इक्वेशन एक मान के चलते हैं। चलिए अब आगे देखिए क्या करता हूँ, थ्री ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, टू ओमेगा प्लस थ्री, ठीक है। ये संगत व्यय में ले लिए, अब आपको क्या हो जाएगा, थ्री ओमेगा और ये टू ओमेगा इधर आया तो क्या हो गया, घट गया। तो थ्री ओमेगा में से टू ओमेगा घटेगा तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, थ्री। तो इसलिए ओमेगा का मान कितना आ गया, थ्री। अब ये ओमेगा का मान हम इक्वेशन वन में क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो जेड का मान आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने क्या किया कि ओमेगा इक्वेशन वन में ओमेगा का मान रखने पर, तो इक्वेशन वन में हमारा यहाँ ओमेगा का मान तीन आया था, भर दिया। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस घटा तो कितना आ गया, दो, तीन में से एक घटा दो, और ये दो से भाग कर दिए दो में तो कितना हो गया, दो में दो से भाग देने पर क्या हो गया, एक हो गया कट के। अब क्या हो जाएगा आपका, ये एक लिख दिया गया, तो अब जेड का मान क्या आ गया, एक। अतः आपका एक्स बराबर दो आया है, वाई बराबर तीन आ गया, चार आ गया, और जेड का मान एक आ गया, ओमेगा का मान तीन आ गया, यही इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन का सोल्यूशन अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।